नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। सुरकरी हेडलाइन सा। सभापति देवा के सत्तारोहण भेल लंबा, संसद बैसार मंगल दिन 11 बजे धर के लेल स्थगित। कांग्रेस सभापति देवा नेतृत्व में बना वाला सरकार के फोरम नेपाल के लग समर्थन, राजापा समेत समर्थन करवाक संकेत। सब दल संघ सहमति के अगाड़ी बढ़ स्वयं प्रयासरत रहल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कांग्रेसक सभापति देवा के कहब। आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, जनकपुर में हर्षोल्लास के साथ गंगा दशहरा मनाओ जा रहा, तेसर वार्षिक उत्सव पर महागंगा आरती। आ जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस जनकपुर धाम सहित देश भर मनाओ गेल। आप समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले के अवरोध के कारण नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा आज प्रधानमंत्री बन से चुगे अछि। प्रधानमंत्री के चुनाव आब दू दिन पाछू घुसकाओल गेल अछि। व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सूचना टाइस कर प्रधानमंत्री के निर्वाचन मंगल दिन 11 बजे धर के लिए घुसका देने है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद संचालन में सहमत नहीं देखल गेला के बाद सचिवालय बैसार के मिति घुसकौलक। सचिवालय रवि दिन के बैसार में प्रधानमंत्री चयन के लिए मतदान करवा कार्यसूची सार्वजनिक कने छल। ऐसे आगू भोर 11 बजे बजाओल गेल बैसार, सूचना टास्क क दोपहर 3 बजे धर के लिए घुसकाओल गेल छल, मुदा सहमति जुटने सकला के बाद मंगल दिन 11 बजे धर के लिए घुसकाओल गेल अछि। देश के 40वां प्रधानमंत्री में नेपाली कांग्रेसक शेरबहादुर देवा आई निर्वाचित होबाक लगभग पक्का पक्की जेहने छल। उपेन्द्र यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा नेतृत्व में बने वाला सरकार के समर्थन करबाक, मुदा सरकार में सहभागी नहीं होबाक निर्णय कयलक अछि। रवि दिन बैसल संसदीय दल के बैसार से देवा के पक्ष में मतदान करबाक निर्णय कयल गेल अछि। देवा सरकार के समर्थन करबाक निर्णय कयने रहितो सरकार में सहभागी नहीं होबाक फोरम नेपाल जनौलक अछि। फोरम नेपालक प्रमुख सचेतक शिवजी यादव देवा सरकार के समर्थन करबाक निर्णय लेल गेल जानकारी करौलक अछि। संसद में स्वयं सब प्रतिपक्ष के बेंच में निवेश कर सत्ता पक्ष के बेंच में समेत बैसबाक यादव जानकारी करौलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार शेरबहादुर देवा सब दल संघ सहमति के अगाड़ी बढ़ स्वयं प्रयासरत रहल धारणा रखने अछि। सभापति देवा एमाले संघ एखनो बात नहीं मिलला से प्रधानमंत्री निर्वाचन चयन प्रक्रिया 3 बजे धर स्थगित कर पड़ल स्पष्ट कने छलथि। उस सहमति में प्रधानमंत्री चयन के लिए स्वयं सब दल संगे छलफल कर रहल जानकारी समेत करौने छला। रवि दिन 11 बजे के लिए तय कयल गेल प्रधानमंत्री निर्वाचन कार्य तालिका 4 घंटा के बाद घुसकाओल गेला के बाद संसद भवन परिसर में संचार कर्मी सब संगे संक्षिप्त बातचीत करे सभापति देवा 2 बजे शीर्ष तह में होबाक छलफल में सहमति जुट जेबाक विश्वास व्यक्त कने छला। निर्वाचन आयोग भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 के मतदान फेर से करवाक निर्णय लेला के बाद प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले और आक्रोशित भेल अछि। एमाले भरतपुर महानगरपालिका में फेर से मतगणना नहीं होबे देल संसद चलन नहीं देबाक अडान लेला के बाद प्रधानमंत्री निर्वाचन कार्यक्रम प्रभावित बनल अछि। प्रधानमंत्री के लिए नेपाली कांग्रेस देवा के एकल उम्मीदवारी मात्र पड़ल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्ता पक्ष पेल क जाय चाहलक त प्रधानमंत्री निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित क देव आरोप लगौलक अछि। एमाले नेता गंगालाल तुलाधर सत्ता पक्ष जबरदस्ती कर रहला के कारण संसद बैसार चल नहीं देबाक अपन पार्टी के अडान यथावत रहल स्पष्ट कयलनि अछि। रवि दिन भोर में 11 बजे के लिए तय कयल गेल प्रधानमंत्री के निर्वाचन स्थगित भेल लगते संसद भवन परिसर में संचार कर्मी सब संगे बातचीत करे तो प्रमुख तीन दल बीच सहमति नहीं भ संसद बैसार चल नहीं देबाक अदान रखने छे। एमाले भरतपुर महानगर पालिका में फिर से मतगणना कर के मांग करे संसद बैसार लगातार अवरुद्ध करते आयल अछि। भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 में फिर से मतदान करबाक निर्वाचन आयोग के निर्णय सत्ता पक्ष के दबाव में आयल आयक पक्षीय रहल एमाले के दावी अछि। जबरजस्ती तपाईँहरूले पेलेर जाने खालको कुरा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो हामी मान्न तयार छैनौँ भन्ने खालको कुरा हाम्रो दृष्टिबाट राख्यौँ। त्यसो भए एक बजेलाई त्यसो भए शीर्ष नेताहरू राखेर कुराकानी गरौँ र 3 बजे आओस् राखौँ भन्ने कुरा भएर अहिले सहमतिको त अब कसरी कुरा होला भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ अहिले शीर्ष नेताहरू बस्नुहुन्छ,
शीर्ष नेताहरू बस्दाखेरि चाहिँ विन विन सिचुएसन जस्तो ढङ्गले जाने भयो भनेदेखि कुरा मिल्ला, नत्र भने पेलेरै जाने खालको कुरा हो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यसरी हाउससँग नदिने कुरा त हाम्रो निरन्तर कायम हो। एमाले संसद विस्तार सुचारू नेकराको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नै बढाव समेत माग गरेका छ। प्रधानमन्त्रीमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाकी एकल उम्मेदवारी परलसल, आए हुनक प्रधानमन्त्रीमा लगभग चयन होबाक सम्भावना बढ़ गेल छल, मुदा एमालेका अवरोधके कारण अब सम्भावना दू दिनके लेल टेर गेलै छ। एम्हर भरतपुर महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 19 में फेरसँग मतदान करबाक निर्वाचन आयोगको निर्णयके विरोध गरेर नेकपा एमालेके भातृ संगठन सब काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन कयलक छ। एमाले सम्बद्ध गुप्ता संगठन युवा संघ आ अनेरा सबैको मुख्य आयोजनामा रवि दिन काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भेलै छ। प्रदर्शनी मार्च शुरू भेल र्याली पुतली सड़क बाग बजार हेत शान्ति बाटिका पहुँचल छल। र्यालीमा एमाले कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति देखल गेल छल। प्रदर्शनी मार्च शुरू भेल र्याली पुत्री सड़क बाग बजार हुई शांति बाटिका पहुंचल छल। र्याली में एमाले कार्यकर्ता उल्लेख्य उपस्थिति देखल गेल छल। र्याली तथा सभा के कारण रत्न पार्क क्षेत्र के यातायात व्यवस्था प्रभावित बनल छल। निर्वाचन आयोग भरतपुर महानगर के वार्ड नंबर 19 में फिर से मतदान करबाक निर्णय कयने छल, जाहि से नेकपा एमाले आक्रोशित बनल अछि। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तीनू तह के चुनाव सम्पन्न नहीं होब धरि अपन पार्टी सरकार में नहीं जेबाक स्पष्ट कयलक अछि। वरिष्ठ नेता खनाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा के काम कर सहज होइक ताहि हेतु एमाले कोनो उम्मीदवार नहीं देने टिप्पणी कयलनि अछि। ओ संसद बैसार दू दिन पाछू घुसकेबाक अपन पार्टी के प्रस्ताव होबाक प्रधानमंत्री के काम कर सहज होइक से चाहना आ इच्छा आयल दिस संकेत कयलनि अछि। रवि दिन संसद भवन नया बारेश्वर में संचारकर्मी सबसंगे बातचीत करैत नेता खनाल तीन नम्हर दल बीच घनीभूत छलफल नै भेल त समय में तीनू तह के चुनाव सम्पन्न कर कठिनाई होबाक समेत चेतावनी देलनि छ। शेरबहादुर जीलाई काम गर्ने राम्रो वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र देशमा अझै तीनवटै तहका भनौँ न निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छैनन्, ती निर्वाचन सम्पादन गर्ने बढी अनुकूल वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यो चाहनालाई पूर्ति गर्ने हिसाबले पनि यो दुई दिन महत्त्वपूर्ण हुँदैछ। नेकपा एमाले त अर्को सङ्घीय चुनाव नभएसम्म सरकारमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। वरिष्ठ नेता खनाल दुई दिन भित्र देशकै निकास देवजेका प्रमुख तीन दलबीच ठोस सहमति हेबाक समेत विश्वास व्यक्त कयने छला। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सरकार के समर्थन करबा कि निकलबाक विषय में आज समेत निष्कर्ष लगाब असफल भेल अछि। रवि दिन भोर में 9 बजे से बिजली बाजार स्थित पार्टी के संपर्क कार्यालय में शुरू भेल बैसार के विषय में निष्कर्ष किछ नै लाब सकला से बैसार लंबा भेल, मुदा तैयो सहमति जुट नै सकल। राजपाक अध्यक्ष मंडल के सदस्य सब बीच सरकार के समर्थन करबा कि निकलबाक विषय में मत भिन्नता देखल गेला के बाद निष्कर्ष लाग नै सकल आ समस्या देखल गेल बताल जा रहल अछि। बैसार में शरद सिंह भंडारी लगायत के नेता सब प्राप्त उपलब्धि के संरक्षण आ स्वीकार करैत थप प्रयास करक लेल सरकार के समर्थन क अगाड़ी बढ़ सुझाव देने छल, मुदा राजेंद्र महतो राजकिशोर यादव लगायतक नेता सब अपन मांग आ मुद्दा में ठोस प्रतिबद्धता नै आब धरि सरकार के समर्थन कर नै धरफड़ाय के चाही कहित विपक्ष में बैसब प्रबाक तर्क रखने छलैत। विगत के सरकार समेत सहमति करबाक मुदा मांग पुराने कपड़ा के ने आ अपना सब के धोखा देने कहे तो सब माग संबोधन में ठोस प्रतिबद्धता अब प्रभाक अडान रख लगे छे। पार्टी भीतर सरकार के समर्थन करबाक आ नहीं करबाक धारणा बराबर रहल हेतु राज्यपाल के विषय में निर्णय आयो नहीं लेब सकलक। सरकार के समर्थन करबाक नहीं करबाक विषय के निर्णय के लेल अब राज्यपाल के विचार अनिश्चित देखल गेल अछि आ संभवतः काल्हि बैसबाक बताओल जा रहल अछि। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जनकपुर में हर्षोल्लास के साथ गंगा दशहरा मनाओल जा रहा तेसर वार्षिक उत्सव में आई महागंगा आरती। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस जनकपुर धाम सहित देशभर मनाओल गेल। अपन कार्यकाल सफल रहल संचार मंत्री कार्की के दावे। आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी
जनकपुर में हर्षोल्लास संग गंगा दशहरा मनाओल गए। उसका दिन हिंदू सभक पवित्र नदी गंगा पृथ्वी में अवतरित भेल विश्वास के साथ गंगा दशहरा मनाओल जाते है। अय अवसर में जनकपुर के दशरथ तालाब, गंगा सागर, धनुष सागर, महाराज सागर लगायत तक पोखर आ सरोवर में स्नान कर श्रद्धालु सब के भोरे से भीड़ भाड़ देखल गए। उत्सव पर्व समैया को दिन हो, यो समैया में गंगा जी प्रकट हुनु भएको त्यो आज को दिन में गंगा दशहरा नाम और दशरथ जी को मंदिर में उपस्थित दशरथ जी स्वयं रामचंद्र जी को छोड़ा दशरथ जी यहाँ बस्नु भएको यसले वहाँ यहाँ तैना श्रद्धालु लोकन तलाव में स्नान कर दशरथ मंदिर में पूजा पाठ समेत कलने जानकी मंदिर में समेत पूजा पाठ कर श्रद्धालु सबके पूजा पाठ करक लेल भीड़ भाड़ देखल गेल। चार वर्ष पूर्व दो चार गोटे की संलग्नता में शुरू भेल जनकपुर के धार्मिक आ ऐतिहासिक गंगा सागर सरोवर के सफाई आज जनकपुर वासी के लिए मात्र नहीं भ नेपाल आ विदेशक आगंतुक पाहुन सब के लिए समेत परिवर्तन के जीवंत उदाहरण आ मन के शांति के रूप में एक उदाहरण के रूप में साबित होब पहुंचल। एक रिपोर्ट। चार वर्ष पूर्व दो चार गोटे के संलग्नता में शुरू भेल जनकपुर के धार्मिक आ ऐतिहासिक गंगा सागर सरोवर के सफाई आई जनकपुर वासी के लिए मात्र नहीं भ नेपाल आ विदेश के आगंतुक सब के लिए समेत परिवर्तन के जीवंत उदाहरण साबित होब पहुंचल। 2070 साल फागुन 11 गते से पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के पूर्व अध्यक्ष रामशीष यादव के अगुवाई में किछ पत्रकार अधिकार कर्मी आ युवा सभक पहल में शुरू भेल सरसफाई 2071 साल जेठ 21 गते गंगा दशहरा के दिन महागंगा आरती के रूप लेलक जाय में जनकपुरक हजारों हजार जनता गंगा सागर के चारू कात घाट में बैस कर माता गंगा के भजन आ ध्यान में लिप्त भेलन। गंगा दशहरा के वही दिन साँझ के समय हरियर रंग में अपन स्वरूप फेरत जा रहल गंगा सागर के लहलहात पानी के शीतलता आ अपने मातृभाषा मैथिली में विभिन्न ताल आ मनमोहक शब्द में बनल गंगा आरती तहिना जनकपुर संग संबंधित भजन से जनकपुर वासी सब के छाती चौरा भेल आ जनकपुर में एखनो परिवर्तन संभव है से आस वही साँझ में गंगा सागर के घाटे में जनकपुर वासी में जागल। वही दिन से शुरू भेल महागंगा आरती एखन धरि जारी है आ 3 वर्ष पूरा कयने अ 3 वर्ष के अवधि में गंगा सागर के चारू कात पक्की के घाट निर्माण भेल टाइल्स लागल वृक्षारोपण भेल बोटिंग के लिए समय समय में नाव समेत मंगाओल गेल आ किछ दिन पूर्व ओत CCTV कैमरा आ वाईफाई के समेत जरान कयल गेल। आब गंगा आरती जखन साँझ में होइत अछि तऽ फेसबुक में समेत ओकरा लाइव देखल जा सकैए। गंगा सागर के सरसफाई के उद्देश्य जनकपुर के संपूर्ण सरोवर के सफाई संरक्षण तथा जनकपुर के समुचित रूप में पर्यटन विकास केनाई रहल सफाई अभियानी एवं पत्रकार रामाशीष यादव के कहब अछि। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के सरोवर गंगा सागर के सफाई 2070 साल फागुन 11 के शुरू भेलै और एकर उद्देश्य रहे कि जनकपुर में जनकपुर के जो सागर है जो सागर सबके सौंदर्यीकरण हुए और पोखरा में एकटा फेवा ताल से पर्यटक आकर्षण होइ छै। जनकपुर में ताले ताल के शहर है 72 कुंड है धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के तो कुंड सबके भी संरक्षण हुए एक बड़का संदेश जाए और पंचतत्व जो कहे छै यहाँ के जल ओकर बहुत महत्वपूर्ण छै पंचतत्व में तो ताहि हिसाब से जे है से जल संरक्षण अभियान तहत गंगा सागर के सफाई शुरू भेल और तकर बाद जेठ 25 गते 2071 साल गंगा आरती के शुरुआत भेल। जनकपुर के गंगा आरती साधारण नहीं रहल बतबैत अभियानी यादव जल के देवी गंगा आ जमीन के देवी सीता के आरती समेत संग संगे होइत अछि ताहि हेत एकर विशेष धार्मिक महत्व अछि हुनक कहब छनि। साथे सफाई अभियान से जनकपुरवासी
सफाई आ स्वच्छता के महत्व बुझने आखन घर घर में सफाई के विशेषता गुंज लागल होना कथन है। हिसाब से जेकर प्रभाव पड़े और सर सफाई स्वच्छता प्रति लोग बुझल के स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, सफाई भी बहुत जरूरी है और इसमें संपूर्ण जनकपुरवासी के सहयोग है। बिना जनकपुरवासी के सहयोग से ये अभियान आगू बढ़िए नहीं सके। हम तो एक केवल माध्यम छी, हमरा मात्र एक अवसर प्राप्त हुए तैं हम सौभाग्यशाली छी। पूरे जनकपुरवासी के में सक्रिय सहयोग है, कहल जाए तो हमरो से बेसी सहयोग पूरे जनकपुरवासी। अभियानी यादव एखन धरि जनकपुरवासी के भौतिक आ आर्थिक सहयोग से एतेक धरि संपूर्ण काम कने कहत राज्य एहन अभियान आ धार्मिक अनुष्ठान के समेत ध्यान नहीं देने प्रति दुख व्यक्त कला। सदियों से विभेद में पड़ल जनकपुर के एहन परिवर्तनकारी काम समेत राज्य के ध्यान ताल नहीं सकल में विभेद के एक नमूना रहल शुरुआत भ चुकल है, लेकिन आवश्यकता है राज्य के पब्लिक गाड़ी बढ़ गई जनकपुर के, लेकिन राज्य जो है से राज्य के जतक सपोर्ट भेट के चाहिए राज्य के बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। राज्य जो है से विभेदकारी जगह जनकपुर के साथ व्यवहार कर रहा है, मैंने भगवान के साथ भी राज्य जो है से विभेदकारी जगह कर रहा है। जनकपुर के लोग के साथ करते हैं, लेकिन जनकपुर के भगवानों के जो है से विभेदकारी के रूप में रखने छे। अब आगामी दिन में ग्रेटर जनकपुर के अवधारणा में मास्टर प्लान बनाकर अगाड़ी बढ़ब आ गंगा आरती के धार्मिक आकर्षण के केंद्र बनेबाक हुनक योजना वो सुनौलन। साथे जनकपुरक बुद्धिजीवी लोकन समेत गंगा सागर के सरसफाई आ गंगा आरती जनकपुर के एखनो परिवर्तन कैल जा सकैए आ ओकर संभावना एखनो बाकी छै के पुष्टि कने आ ओहि के लिए जनकपुरवासी जनकपुर के सफा आ सुंदर बनाब अगाड़ी आब प्रभाक संदेश देने धारणा रखे छथि। हमर सांस्कृतिक जे परम्परा अइ ओहि सांस्कृतिक परम्परा के अक्षुण राखे के लेल आ सामाजिक जनचेतना के अभिवृद्धि में ई अभियान महत्वपूर्ण योगदान। उदाहरण के रूप में जे है प्रभाव पड़ले है जनकपुर के प्रगति के लेल एक नया दिशा दे सौर सफाई लोग के आवश्यक महसूस होइ छै। ताहि के क्रम में ई चीज भेलै है आ नीक एकर प्रभाव पड़ले है। आरती एकटा धार्मिक के साथ साथ सफाई धार्मिक जल संरक्षण अइ सब विषय से जुड़ल है। गंगा आरती विदेश से आबे वाला पाहुन सब के लेल समेत आकर्षण के केंद्र बनल हुनका सब के कहब छन। प्रत्येक साँझ गंगा सागर के घाट में होबे वाला गंगा आरती आ ओत गुंजे वाला भजन सब सुन के समेत मन में शांति भेटत आ ई जनकपुर के महत्व बढ़ने हुनका सब के कहब है। कतेको किताब हरेक दिन साँझ में ओत पहुँच के दिनचर्या बन गया है, साँझ में ओत नहीं पहुँचू त मन में चैन नहीं भेटत हुनका सबके कहब है। गंगा सागर में भेल परिवर्तन जनकपुर के हरेक धार्मिक आ ऐतिहासिक महत्व के सरोवर तहिना धार्मिक स्थल सब में संभव होब गेल त जनकपुर के काया पलट भजेबाक बात में दुमत नहीं भ सके। कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। गंगा सागर के सफाई भकर गंगा आरती शुरू भेल, रवि दिन 3 वर्ष पूरा भ रहल है। गंगा सागर के सफाई आ गंगा आरती के प्रारंभ से जनकपुर में परिवर्तनक संभावना शेष रहल निश्चित कैल गेल। जनकपुर में सकारात्मक संदेश प्रवाह करे वाला धार्मिक उदाहरण गंगा आरती से जनकपुर में केहन प्रभाव पड़ल त जनकपुरक बुद्धिजीवी लोकन सब से पूछने छलौं। देखिए अहाँक बात जहरा तेहरा। जनकपुर सर सफाई नहीं रहती तो आदमी स्वस्थ नहीं रह सके, तो सर सफाई से अहाँ पूरा अहाँ आदमी स्वस्थ अहाँ हेल्दी रह सकते। गंगा आरती से अहाँ अहि से पर्यटन के जनकपुर में भी विकास भेल है, यहाँ तक अहाँ देश विदेश के तरफ जनकपुर आल भारत के तहत ट्रक ट्रक बस के बस आदमी सब अबे आ जनकपुर में गंगा आरती भी यहाँ बैठ के अहाँ गुजरात के राजस्थान के बम्बई के विभिन्न जगह के अहाँ मध्य प्रदेश के। जेना गंगा सागर साफ है, जनकपुर के प्रत्येक पोखरी एना साफ भ जाए, साथ साथ नाला के व्यवस्था भ जाए, सुगर गाय मुर्गा मुर्गी के व्यवस्था भ जाए, पन्नी फेंकनाई एहिठाम छुटि जाए, गुटका पान पड़ा खा के पान खा के कहीं थुक दे छै अइ पर आदमी के चेतना आबि जाए तो जनकपुर स्वर्ग भ जतै। एकटा एहन चीज अपना सब संकलन के लिए जे यदि नरको के जे अपना सब चाहबै तो स्वर्ग बन सकिए। आ तहिना एकटा बात अपना सब सोची जे देखियौ किछु दिन पहिले मतलब 3-4 साल पहिने एतऽ मतलब गंगा सागर पर लोक आबऽ नहि आ लोक मतलब एतऽ आबऽ नहि चाहे आबऽ चाहे मतलब ए चल चल जल्दी चल तेना कहे, लेकिन अखन देखियौ अखन आबि कऽ एतऽ एतेक बड़का प्रभाव छै पड़ल जे मतलब हमरे बात पूछब तऽ हमरे घर अछि मतलब नानी गाम अछि इंडिया
लेकिन एता आयोका सब बुझे बाप रे गंगा सागर छे रे गंगा सागर मतलब गंगा सागर भूमि मतलब जनकपुरक घूमक क्षेत्र में एकटा गंगो सागर जे छै एकटा मतलब घूमक पर्यटन क्षेत्र में ई कहाय छै गंगा सागर के सफाई के मतलब है कि जनकपुर के जते अहाँ के पोखरी है आप सब पोखरी के अपन अपन महत्व है धार्मिक महत्व है सब के गंगा सागर के तनि विशेष महत्व है किया कि गंगा सागर के के खनै दै छै अभी तक ई पता नै या रूपी गंगा जी प्रगट भेल कि नहीं चलते एकर विशेष महत्व है लेकिन सब पोखरी के आगे महत्व है तो तैं सब पोखरी बहुत पोखरी अपने सबके मालूम होत कि यहाँ अतिक्रमण भ चुकल है जना 72 गो कुंड सुनै होबै यहाँ तऽ 52 गो कुटी 72 गो कुंड लेकिन गिनबै तऽ 72 गो कुंड आगे नहीं भेटत अभी आ किछु दिन पहले एकटा अभियान चलल रहै जे बहुत पोखरी के अतिक्रमण मुक्त करायल गेलै तऽ 72 जनकपुर या नगर पालिका के संयुक्त अभियान रहै तऽ अभियो बहुत अतिक्रमण भेल छै पोखरी तऽ गंगा सागर के सफाई से हमसब एकटा ई संदेश देबे के कोशिश केलिए कि यहाँ सब जल के संरक्षण बहुत आवश्यक चीज है प्रकृति के बताबे के लेल मनुष्य के स्वास्थ्य के लेल सब चीज के लेल तो जल संरक्षण अहाँ नहीं करब तो अहाँ के जीवन खत्म भ जाए जल ही जीवन है कहल से अहाँ के पर्यटक सबके एगो बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है और जनकपुर में लोग यहाँ से पड़ा परिवार लगे लोग आरती देखे लगे बनारस जाए छे हरिद्वार जाए ऋषिकेश जाए छे अब ये जनकपुर वासी के लगे एगो बहुत बड़ा एगो अपने आप में एगो बहुत बड़ा चीज़ है जे चीज़ से अहाँ के जनकपुर वासी के लगे एगो उदाहरणीय है आई देखल जाओ शाम के समय जनकपुर में लोग अपन गेस्ट के अपन अहाँ के साथी सब के जे बाहर से अबे वहाँ सबके टाइम पास में बहुत दिक्कत हो चलिए अब अहाँ के लोग अपन साथी भाई के अपन अपन परिवार के सबके लोग के अब अभी साँझ में अपने देखल जाते आरती से बहुत ही आदमी के अपने आप में एगो सद्भाव भी भले जनकपुर प्रति उदाहरण के रूप में जो है प्रभाव पड़े है जनकपुर के प्रगति के लिए एक नया दिशा दे सौर सफाई लोग के आवश्यक महसूस होते हैं तै के क्रम में ई चीज भले है आ निक एकर प्रभाव पड़े है आ आरती एक धार्मिक के साथ साथ सफाई धार्मिक जल संरक्षण ऐ सब विषय से जुड़ल है जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस जनकपुर धाम सहित देशभर मनाओल गेल अछि जनकपुर धाम में नेपाल राष्ट्रीय दलित समाज कल्याण संघ धनुषा दीर्घकालीन शांति के लिए समानता आ विभेद नारा के साथ प्रभात फेरी निकालने छल संघ का अध्यक्ष रघुनाथ दास के नेतृत्व में जानकी मंदिर से निकलल प्रभात फेरी रैली जनकपुर नगर परिक्रमा के जनक चौक में जाकर कुंड सभा में परिणत भेल छल प्रभात फेरी में जुलूस में दर्जनों की संख्या में दलित जनजाति अल्पसंख्यक सब के उपस्थिति देखल गेल कुंड सभा के संबोधन करे ततमा समुदाय के अगुवा एवं राजपा नेपाल रामशीष दास नेपाल छुआछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भेल 10 वर्ष बीत गेल रही तो समाज में छुआछूत एखनो यथावत रहल दुख व्यक्त कयने छलथि विशेष अदालत भ्रष्टाचार अभियोग में पकड़ाव पड़ल आंतरिक राजस्व विभाग के महानिदेशक चूड़ामणि शर्मा के 7 दिन थोड़ा में राखि थप अनुसंधान अगाड़ी बढ़ाव अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के अनुमति दिलक शुक्रदिन नियंत्रण में लेने शर्मा के न्याय थप क रवि दिन विशेष अदालत में हाजिर कराओल गेल छल विशेष शर्मा के नियंत्रण में लक लेने दिन से लागू होब जका 7 दिन के समय थुना में राख अनुमति दिलक आयोग थप अनुसंधान के लिए 30 दिन थुना में राख जका म्याद देव आग्रह सहित के निवेदन दर्ता करौने छल अनुसंधान अगाड़ी बढ़ावक लेल शर्मा के 7 दिन थुना में राख अनुमति देल गेल विशेष अदालत के रजिस्ट्रार भीम कुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगबाट अनुसन्धान आयोगबाट म्याद थपको लागि मात्रै उहाँलाई ल्याएको है त्यो 19 गतेबाट लागू हुने गरे अस्ति उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ पक्राउ गरिएको रहेछ 19 गते शुक्रबार त्यो दिनबाट लागू हुने गरे 30 दिनको लागि म्याद थप पाऊँ भनेर हामी कहाँ म्याद थपको लागि आएको हो त्यसमा आज इजलासबाट 7 दिनको लागि 19 गतेबाट लागू हुने गरी 7 दिनको लागि म्याद थप गरिएको छ अब म्याद अनुसन्धान त्यो बिचमा चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ त्यसपछि फेरि ल्याउनु पर्ने भने म्याद थप गर्नको लागि पछि आउनुपर्नेछ अहिले चाहिँ खालि म्याद थपको लागि आएकोमा 7 दिनको लागि म्याद थप न्यायाधीश दोय मोहन रमन भट्टराय आ नरेश शिवाकोटी के संयुक्त लालसा शर्मा के थुना में राख 7 दिन के म्याद देवाक फैसला कयल गेल अछि म्याद थप के बाद सुरक्षा घेरा भीतर विभाग के निलंबित महानिदेशक शर्मा स्वयं पर लागल आरोप के कर फरछोट आयोग के विधि निर्माण करबाक संसद आ सरकार के अपमान भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि गठन गरेका थियो महत आदत छ
अमरेश प्रसाद ढकाल सदस्य र म सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको महानिर्देशकको हिसाबले सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कर्फरचोट आयोग गठन गरेको थियो। कर्फरचोट आयोग ऐन बमोजिम एउटा आपसी कुराकानीका माध्यमबाट करदाताका पुराना बाँकी बकौता जुन रुङ्ग उद्योगहरू छन् जुन विभिन्न मुद्दामा विचाराधीन रहेका फाइलहरू छन् कर तिर्न बाँकी रहेका छ त्यसलाई सरकारले तोकेको अवधिसम्ममा चाहिँ फरफारक गर्ने त्यो आयोगलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो र त्यो आयोगले गरेको कार्य उपर कहीँ कसैले अनुसन्धान गर्न नपाउने अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ र अहिले चाहिँ जुन त्यो विधिलाई उल्लङ्घन गरेर अख्तियारबाट जुन काम भएको छ यसले विधि विधायक विधिको र विधि निर्माण गर्ने संसद त्यसलाई कर्फरचोट आयोग र त्यो कर्फरचोट आयोगबाट सेवा लिने सम्पूर्ण आम करदाताहरूको एउटा मर्यादामाथि अपमान भएको छ, उल्लङ्घन भएको छ र विधिको शासनको उपहास भएको छ। कर्फरचोट आयोग मार्फत कर छुट दक भ्रष्टाचार के आरोप में शर्मा के शुक्र दिन कार्यालय समय में लाजिमपाट स्थित आंतरिक राजस्व विभाग से अख्तियार के टोली नियंत्रण में लेने छल। सूचना तथा संचार मंत्री सुरेन्द्र कुमार कार्की अपन कार्यकाल सफल रहल दावी के राय मंत्री कार्की काम करवा क्रम में बहुते दबाव आयल रही तो स्वयं ओकर प्रभाव में निपिर का काम के दावी समेत कलने अपन 10 महीना के कार्यकाल में कने काम के विषय में जानकारी देव रवि दिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री के रूप में स्वयं किछ अलग किसिम से काम संपन्न कर पाने उल्लेख करित ओ खुशी व्यक्त कलने मंत्री कार्की स्वयं बहुते दबाव के पाछू क आकात लगा कर जनता के हित के पक्ष में काम के ने दावी समेत के नसलाए थे। अरूले बढी बुझ्ने कुरा हो देख्ने मान्छेहरूले कि धेरै मान्छे चाहिँ इतिहासमा मन्त्री भइसकेपछि त्यो आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक पुँजी चाहिँ ध्वस्त गर्छ। त्यसलाई किनभने एउटा ठुलो अवसरको रूपमा लिन्छ त्यसलाई मन्त्री हुनुलाई र एउटा रेभोल्युसनरीले एउटा क्रान्तिकारीले सोधे के सोच्नु गर्छ भने मैले भिन्न रूपमा काम गर्छु मैले अरूभन्दा बेग्लै ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र यस मानेमा म एकदमै सन्तुष्ट त होइन तर म खुसी छु कि मैले थुप्रै दबाबहरूलाई पछाडि मैले जे जति पनि निर्णयहरू गरेँ। मंत्री कार्की अपन 10 महीना के कार्यकाल में संघीय ढांचा अनुसार के काम करवाई के मुख्य प्राथमिकता देने स्पष्ट कलने वो सातु प्रदेश में पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना करवाक राष्ट्रीय आम संचार नीति 2073 के कार्यान्वयन में लजेबाक दूरसंचार क्षेत्र के गुणस्तरीय बनाव आवश्यक निर्देशिका बनाव के लगायत के महत्वपूर्ण काम सब के समेत एक एक सुनौने छला। स्वास्थ्य मंत्री गगन थापा छोट समय में समेत स्वयं स्वास्थ्य क्षेत्र में दीर्घकालीन महत्व राखे वाला निर्णय सब कर सफल भेल धारणा रखने रवि दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री थापा नया संविधान अनुसार आवश्यक नीतिगत कानूनी आ संरचनागत व्यवस्था के अभाव में समेत स्वयं छोट समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय कर सफल भेल दावी कलन निःशुल्क वितरण कल जाय वाला दवाई घोषणा भेल रहितु दू वर्ष से खरीद नहीं भेल जनशक्ति अभाव लगायत के कारण सब प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी में चिकित्सक नहीं रहल स्वास्थ्य संस्था सबके दर्ता नवीकरण अनुमति नहीं ले रहे जेहन बहुते नीतिगत चुनौती सबके बीच स्वयं स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार अनाउने हुनक दावी छलन। निःशुल्क औषधि सबैको लागि चासोको विषय थियो र यो लामो समयदेखि खरिद भएको थिएन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा अप्ठ्यारो भएको थियो त्यसैले यसलाई सम्हाल्न केही समय लाग्यो तर केही समयभित्रमा हामीसँग भएको स्रोत साधन तल्लो तहमा पठाएर हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। अदालतको बहिरङ्ग सेवा सबैजनाले सञ्चालन भएको थिएन त्यसैले जनशक्तिको व्यवस्थापनले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनायो। केही ठाउँहरूमा अहिले पनि अप्ठ्यारो भएको छ तर पहिलो पटक सायद होला कि हामीले सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 2 चिकित्सकको सुनिश्चितता गरेका छौँ। चिकित्सकहरूको आचार संहितालाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको सन्दर्भमा नियमन सूतीजन्य पदार्थको यो थुप्रै कुराहरू नियमनको कुरा थियो मैले लामो गइनँ यो अर्को मेजर कुरा थियो। मन्त्री थापा मृगौला प्रत्यारोपण बाथ मुटु रोग इलाज शल्यक्रिया डायलिसिस सेवा निःशुल्क बनौनाए समेत अपन उल्लेख्य काज के रूप में एकटा रहल धारणा रखलनि।
तेनाका सातु प्रदेशमा हृदय रोग निवारण सेवा विस्तार करबाक लक्ष्य अनुरूप नेपालगंज आ जनकपुरमा सेवा शुरू करबाक सम्झौता भेल। नेपालगंजमा क्यान्सर इलाज सेवा विस्तार गर सुशील कोइराला प्रमुख क्यान्सर अस्पताल स्थापना ख्याल जबाक सिक्सेल एनिमिया के परीक्षण तथा इलाज सेवा प्रारम्भ भेल। महिला के पाठ्यकर मुँह के क्यान्सर VIA टेस्ट स्क्रिनिङ सब जिल्लामा निःशुल्क उपलब्ध गरेबाक जका प्रक्रिया अगाडि बढाउल गेल। मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली संशोधन भएर कलेजा प्रत्यारोपण के सेवा प्रारम्भ भेल। हमर वर्ष हमर स्वस्थ हम स्वस्थ हमर देश स्वस्थ अभियान मदिरा नियन्त्रण नीति लगायत में भेल काम कार्यवाही के फेरिहस्त समेत मन्त्री थापा पत्रकार सम्मेलन में एक एक क अपन काज के विषय में सुनौने छला। 9 महीना के कार्यकाल के प्रगति विवरण सार्वजनिक कर कयल गेल। पत्रकार सम्मेलन में मंत्री थापा विवादास्पद बनल दवाई आयात में लगाओल गेल प्रतिबंध के निर्णय सही भेल दावी समेत केने छलथि। अपन न्यूज में फिर से व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद किस दिन से बढ़ल अत्याधिक गर्मी के कारण धनुषा सहित मध्य तथा पूर्वी तराई के जनजीवन अत्यंत कष्टकर। बेलायत के लंदन में आतंककारी आक्रमण 6 गोटे के मृत्यु 30 गोटे से बेसी घायल। किस दिन से बढ़ल अत्याधिक गर्मी के कारण धनुषा सहित मध्य तथा पूर्वी तराई के जनजीवन अत्यंत कष्टकर बनल। गर्मी के कारण तराई के धनुषा सरलाही महोतरी रौतहट बारा परसा लगायत के जिला सब के जनजीवन बहुत प्रभावित बनल। गर्मी के कारण अ क्षेत्र के बाजार दोपहरे सुनसान देखे में अबित घर से बाहर निकल आदमी सब नहीं मान रहा है। अस्पताल में बीमारी के चाप समेत बढ़ गया। जनकपुर अंचल अस्पताल के अनुसार अस्पताल में दैनिक आवे वाला बीमार मध्य पेटझरी आ गर्मी के कारण होवे वाला विभिन्न किस्म के रोग लागल बीमारी सब बढ़ गया। गर्मी के कारण बाल बच्चा आ वृद्ध वृद्धा सबसे बेसी प्रभावित बनल। छोट बाल बच्चा सबके विद्यालय जाए समेत दिक्कत भ रहा ओत गर्मी है। भोर के तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस मापन कैल गया छल तो दोपहर में बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस धर पहुंचल छल। मौसम में एहन मौसम में खान पीन में विशेष ध्यान देव चिकित्सक सब सुझाव दे छथि। बाहर गाम में निकलला पर रौदा में अनिवार्य रूप में छाता के प्रयोग करा परबाक आ ठंडा खाय वाला चीज सब खीरा तरबूज खाए के साथे हरियर साग सब्जी अत्यधिक मात्रा में पानी पीब परबाक सलाह चिकित्सक सब दे छथि। नया शक्ति पार्टी नेपाल जनकपुर नगर कमिटी नगर भीतर विभिन्न बोर्ड सब में वार्ड सब में पार्टी विस्तार करित वार्ड कमेटी सब धमाधम गठन कर रहा है। विगत 6 दिन में जमा 6 वार्ड में कमेटी विस्तार कैल गेल। जनकपुर नगर कमेटी के आयोजना में कैल गेल संपूर्ण कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय सचिवालय सदस्य पूर्व मंत्री अरविंद शाह छले। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय सदस्य राम उदित राम उमेश शाह विजय यादव शबनम खातुन महेंद्र यादव प्रदीप नारायण शाह शंभू शाह योगेंद्र शाह घनश्याम चौधरी धनुषा जिला नेता साजिद हुसैन विजय भगत सहित नेता सबके सहभागिता छ। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य काठमांडू के धुआं आ गर्दा मुक्त शहर बनेबाक प्रतिबद्धता जल्दी पूरा होबाक दावी कलाई छ। मेयर साक्य महानगरवासी धुआं आ गर्दा तहिना प्रदूषण मुक्त शहर बनेबाक जिम्मेवारी अपना देने स्मरण करौने छलथि। विश्व वातावरण दिवस के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में आयोजित फोहर महिला व्यवस्थापन आ वातावरण संबंधी जनचेतना मूलक कार्यक्रम के संबोधन करते हुए सब राजनीतिक दल सब चुनाव के बेर में जनता समक्ष के प्रतिबद्धता अनुसार काठमांडू के गर्दा आ धुआं तहिना प्रदूषण रहित शहर बनेबाक जिम्मेवारी अपन कन्हा में आयल उल्लेख कयने छलथि। मेयर साक्य सब राजनीतिक दल सब के सहकार्य में काठमांडू महानगर पालिका के स्वच्छ सुंदर हरियर आ समृद्ध शहर बनाब स्वयं लाइक परबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयने छलथि। प्रदूषण मुक्त काठमाडौँ सहर हामी सबैको अपेक्षा त्यही छ। हामीले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिला पनि चुनावी दौरानमा पनि म नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिज्ञा गर्थेँ, त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा लगायत जति पनि पार्टीहरू चुनावी दौरानमा म जनताको माझमा गएका थिए सबै पार्टीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ढुँडो धुवा मुक्त सहर बनाउँछौँ भनेर। अब त्यो जिम्मेवारी मेरो कानमा आएको छ। जो जो पार्टीले जुनसुकै पार्टीले जस्तो किसिमको प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले पाएको छु। त्यसकारण हामीले पहिलो बैठकबाट नै के हामीले निर्णय गरेका थियौँ सायद तपाईँहरूको माझमा पनि त्यो निर्णय जानकारी भइसकेको नै हुनुपर्छ। हामी सबैको चासोको विषय हामी सबै मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। महानगरपालिका आफ्नै ठाउँमा क्रियाशील छ,
महानगरपालिकाले आफ्नो सारण स्रोतले काम गरिरहेको छ त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्था पनि आआफ्नो ठाउँमा क्रियाशील छन्। हाटे मालो गरेर अगाडि बढिरहेको छ तर त्यतिले पनि पुगेन भन्ने जनगुनासो पनि छ। त्यसकारण हामी महानगरपालिका त्यही अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढाउने गरिकन अगाडि बढ्ने गरिकन योजना बनाइरहेका काठमाडौँ महानगरपालिका धुवा आगर्दा रहित शहर बनेबाक तीन महिनाको कार्ययोजना समेत ऐसागुए तयार कर चुकल। शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी अपन हिमाली जिल्लाके शहरीकरण गर उच्च प्राथमिकता देने दावी कलनि। मन्त्री केसी 22 हिमाली जिल्लामे नगर विकास परियोजना सञ्चालनमे लाभ स्वयं सफल भेल दावी समेत कलनि। रवि दिन अपन 9 महिनाके कार्यकालके विषयमे जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे बजेत हो। फुलाकी राजमार्ग मध्य पहाडी राजमार्ग छोड़कर 10-10 स्मार्ट शहर निर्माण करबाक योजना समेत स्वयं आगू घुसकोने स्पष्ट कले। मंत्री केसी दुर्गम क्षेत्र के 22 जिल्लामे समेत नगर विकास परियोजना सञ्चालनमे लाग गेल आह्वान काम सब भ रहल धारणा रखने छलथि। सरकार वैदेशिक लगानीमे सञ्चालित उद्योग सबके राष्ट्रीयकरण नै करबाक निर्णय कलक। सरकार उद्योग में लगानी करे वाला वैदेशिक लगानीकर्ता सबके नेपाली नागरिक सरह सेवा सुविधा देव के कानूनी व्यवस्था करबाक तैयारी समेत कलक। सरकार संसद में पेश कने वैदेशिक लगानी संबंधी ऐन 2074 में स्वदेशी लगानीकर्ता आ विदेशी लगानीकर्ता सबके समान सेवा सुविधा आ अवसर देवक उल्लेख कलक। उद्योग मंत्री नवीन्द्र राज जोशी रवि दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत ऐन के विषय में जानकारी करबैत विदेशी लगानीकर्ता आ नेपाली लगानीकर्ता बीच समान व्यवहार करबाक कानूनी व्यवस्था कर लागल गेल स्पष्ट कलने। सरकार लौने एन में वैदेशिक लगानी में संचालित उद्योग में विदेश के विशेषज्ञ उच्च प्राविधिक आ व्यवस्थापकीय कर्मचारी राखब विभाग समेत उल्लेख कल गया। त्यस्तै यो हामीले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई केही छुट दिने कुराहरू जग्गा प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्ने कुराहरू र कानुनी रूपमा नै त्यसको चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ प्रत्यावर्ती गराएका छौँ। सो हामीले कानुनी रूपमा के गर्छौँ भन्ने हिजो गर्नुहोस् थिएन, अहिले चाहिँ कानुनी रूपमा नै हामीले यो अहिलेमा नै हामी के चाहिँ विदेशी लगानीकर्तालाई दिन्छौँ त्यसले चाहिँ के भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई एउटा पोलिसीको स्टार्ट दियो भन्छौँ त्यो चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै यो हामीले विदेशी लगानीकर्तालाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने र त्यसमा चाहिँ स्थिर रूपमा काम गरेर लगानीकर्तालाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने भूमिका छ ताकि एउटा रिकग्निसन र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ। उद्योग मन्त्रालय नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवेश गराबके नीतिगत संस्थागत आ संरचनागत आधार तयार भ चुकल दावी समेत कने छल। जनकपुरके पुरान तथा चर्चित हंसराज मिठाई दोकान अपन शाखा विस्तार कलक। जनकपुरके रामचौकमे हंसराज स्वीट एंड फूड नाम देल गेल मिठाई भण्डारके रवि दिन दोसर शाखाके उद्घाटन कयल गेल। ई भण्डार दोकानसँ हरेक किसिमके मिठाई उपलब्ध होयबाक प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष गुप्ता जानकारी देलनि। जनकपुर के अत्याधुनिक मिठाई भंडार दुकान से सुगर फ्री मिठाई समेत आब उपलब्ध होबाक गुप्ता जानकारी करौने छथि। आब इंटरनेशनल न्यूज। बेलायत के लंदन में भेल आतंककारी आक्रमण में पड़कर जान गमावे वाला सबके संख्या 6 पहुंच गेल। लंदन ब्रिज आ बेरोउग बाजार में भेल आक्रमण में पड़कर 6 गोटे के मृत्यु भेल लंदन के सरकारी अधिकारी सब जानकारी करौने अछि। तीव्र गति में आयल भ्यान पैदल यात्री के ठक्कर देने छल। तेकरा बाद भ्यान में रहल किछ व्यक्ति कूदल छल। उ व्यक्ति सब सर्वसाधारण आ पुलिस ऊपर अंधाधुंध चाकू प्रहार केने छल। घटना में 30 गोटे से बेसी घायल भेल बताओल गेल। पुलिस के कार्रवाई में आरोपित 3 गोटे के जान गेल। घटना के बाद लंदन ब्रिज में रहल रेलवे स्टेशन बंद कराओल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सभापति देवा के सत्तारोहण लंबा भेल। संसद बैसार मंगल दिन 11 बजे धरि के लेल स्थगित। कांग्रेस सभापति देवा नेतृत्व में बने वाला सरकार के फोरम नेपाल द्वारा समर्थन सरकार से बाहर रही का समर्थन करबाक निर्णय। सब दल संघ सहमति के गाड़ी बढ़ा स्वयं प्रयासरत रहल प्रधानमंत्री एकल उम्मीदवार एवं कांग्रेसक सभापति देवा के कहब।
आज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी जनकपुर में हर्षोल्लास के साथ गंगा दशहरा मनाओल गेल। तेसर वार्षिक उत्सव के रूप में गंगा सागर में महागंगा आरती। आज जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस जनकपुर धाम सहित देश भर मनाओल गेल। अपन न्यूज एखन के लिए इतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।